दो लाख से कम नहीं है, 2 लाख के करीब यहां उपस्थित सभी प्रिय साथियों, अभी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं, हमको क्या पता था। तमाम इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा, हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं और वो लोग खड़े। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था आपको, ये भी तो बड़ी जगह है। लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में यहां के, आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में लोग नहीं मिले। तो आज तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहां सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों। और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे, हम कि नहीं जरूर घूमिए। और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, ताजी का दिन तय हुआ, ताज का दिन इन्होंने तय किया, तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में। अब आप समझ लीजिए, हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या है उपस्थित है, आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ, और जरा देख लीजिए ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है, और हम, अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि ज्यादा मत चर्चा करो, तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है। और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापिस आ जाएगा, और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं शुरू से ही जब हम देखते थे अखबार और सब कुछ, और जरा सा भी कोई सूचना रहती थी उसी दिन हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से, यहां पर क्या हुआ जी हमको बताओ। आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे, लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है, आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है, तो वही सब कर रहा है, छोड़िए ना उसके बाद। आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में है, हम सब लोगों के साथ में है, समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे हैं जी, इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया, और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम करवाए, और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सबके हित में काम करते रहेंगे, इसलिए तो मेरा काम ही है, मेरा तो काम ही है सबके हित में। और भाई एक आध को कोई कागज दिखा रहा है, एक आदमी जाके ले लो कागज, हम सबका कागज पढ़ेंगे, और सब में कभी कोई किसी के इलाके में कोई चीज होगा उसको भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर ही हमने कहा था कि आज ही कार्यक्रम कर दीजिए। आज कितना बड़ा चीज है जो देश का जो बन गया संविधान, तो कौन बनाए, इन्हीं के नेतृत्व में कमिटी बनी और आज ही के दिन 47 में बन के तैयार था, 1949 में है? है? 46 में, और वही उसके बाद, हाँ, और वही उसके बाद ये तैयार हो गया तो उसके 2 महीने के बाद, और आज ही का दिन जो था 26 तारीख, वही 26 जनवरी को ही ये शुरुआत हो गई और उसी दिन से लागू हो गया। और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। अब आप जानते हैं, वो तो जहां उनके परिवार से भी मिलने के लिए हम जाते रहे हैं, एक एक तरह हर तरह से हमारा संबंध है और एक एक चीज हम सब की जानकारी लेते रहे हैं, सबसे ज्ञान प्राप्ति करते रहे हैं। और आप जानते रहे कि हम लोग तो अपने पार्टी के ऑफिस में तो बहुत साफ साफ लिख देते हैं, और किनका किनका नाम लिखते हैं हम लोग 5 नाम अपने पार्टी में सिर्फ रखे हैं, इन्हीं के विचारों के साथ चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी, और राम मनोहर लोहिया जी का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कितना अच्छा संबंध था। इनका जब निधन हो गया था, ये उनके पास भी जाकर के मिलते थे, तो हम लोग तो बचपन से एक एक बात जानते हैं, और तभी ना हम और ज्यादा उनका। राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जेपी के नेतृत्व में जो यहां आंदोलन हुआ, उसी में ना हम लोग भाग लिए जी। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका हम नाम लिखे रहते हैं। और एक आदमी जो और ज्यादा बहुत ज्यादा काम किए सबके हिसाब में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, आ कितना अच्छा काम कर रहे थे, और उनको दो ही ढाई साल में कुछ लोग इनको हटाने के चक्कर में रहा, तो हम लोग तो शुरू से ना उनके पक्ष में रहे। और यहां पर तो बैठे हुए हैं ललन बाबू, उनके शिष्य थे, भारी शिष्य थे आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर के। तो इस सब लोगों का, ये 5 आदमी का, हम तो अपने ऑफिस में जो है, हम लोगों का जनता दल यू का ऑफिस है, वहीं पर हमने कहा है कि भाई आप लोग 5 लोगों का नाम याद रखते रहना, और उन्होंने जो भी कहा है और सिखाया है उसी को अपनाना चाहिए, और हम लोग इन्हीं लोगों की बात को अपना करके और काम कर रहे हैं। और कितना काम पूरे बिहार में हुआ जी, आज जानते हैं ना आप, जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था, अब आप देखिए देर शाम तक रात तक लोग चलता है, आ कैसा माहौल बना है, आए? तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया, और सब जगह आप कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोगों का हम इज्जत देते हुए, और एक एक जात बिहार में कौन कौन काम किया, आप जोड़िए पहले कौन थे, आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा, अपर कास्ट, हिंदू मुस्लिम, कोई भी हो, सबके हित में हम लोगों ने काम किया है, और सबके लिए काम करते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है। और जरा देख लीजिए कि पहले जिनको नहीं था, और उनके लिए राज्य सरकार ने सब तरह से किया, आज कितनी काम, आज हमको देख के कितना खुशी होती है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं यहां,
आज कितना बढ़िया लग रहे हैं आप सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी, और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए, तो जब कितना ज्यादा अब हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, आप जा ही रहे हैं, और हर जगह जा करके, तो जो भी अशोक चौधरी जी हैं, हर जगह जा करके इन्होंने एक एक काम जो किया गया है सबके लिए, इन्होंने सब चीज के बारे में बता दिया, तो हर तरह से सब तरह का काम पूरे तौर पर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने तो कितना ज्यादा काम किया, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। पहले तो पढ़ते नहीं थे, विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, इन सब लोगों का कितना हम बढ़ोतरी किए। आज अब नहीं थे, पता चला 12.5% कोई पढ़ते नहीं है, और उसी में हमने देखा कि सबसे ज्यादा है या तो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अति पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े नहीं, इसके महादलित। तो इन लोगों के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, टोला सेवक और तालमी मरकज, और इसका जो काम करके कितना आगे बढ़े, और आप जानते हैं आ टोला सेवक तालमी मरकज सबको सरकारी रूप में रखा है। आई कहां है मंत्री जी, तोरा भी हम मंत्री बना है जानते नहीं करते, बैठो, सब सरकारी है वो लोग, तुमको पता नहीं है, वो सबको सरकारी हमने दे दिया है, और कितना पैसा दे रहे हैं, आज जितना दे रहे हैं अब अगले साल और बढ़ा देंगे उनका, तो चिंता क्या के लिए कर रहे हो। तो सब लोगों के लिए किया, कितना खुशी है सबको, तो सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक बतवा जानिए ना भाई, ठीक से जानिए, बढ़िया से जानिए। आज जब इनको हम गए थे तो जिलवा में बाकी जो पटिया में था कह रहा था नहीं ठीक, हमके ना बड़ा अच्छा आदमी, तो हम इनके पक्ष में गए, इन्हीं को हम बनाए और जीतते रहे, अभी जब जरूरत पड़ा तो हम इनको मंत्री बनाए। हम चाहते हैं कि खूब आगे बढ़िए, आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आज जब बढ़िएगा तभी जब एक एक बतवा जो किया जा रहा है उसको जानते रहिए, आज जब जानिएगा कि ये काम किया जा रहा है और काम किया जाने वाला है, तो उन सब चीजों के बारे में बोलते रहिएगा। तो आप देख रहे हैं ना, अशोक चौधरी जी हैं और जितने लोग हैं, सुनील कुमार जी हैं, एक एक बतवा बोल रहे थे, तो उसी तरह से इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखिए, और पूरे तौर पर जब काम करिएगा तो एक एक लोगों को, सबको इसका फायदा होगा, और ज्यादा इसका होगा, अभी हम आपको बता दिए। और सब जगह पर हम लोगों ने एकदम इस बात को किया, और आप सबको मालूम ही है, आज तो 26 नवंबर को मिशन ने कहा, आप गलती बोले 49 में था, 47 बोल रहे थे, 49 में वो जो बन के तैयार हुआ, और वही हो गया आपको 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हो गया। तो इसीलिए जब ये बोल रहे थे आज ही के बारे में कहे कि बड़ा अच्छा दिन है, आज ही का दिन उनका महत्वपूर्ण है, आज ही के दिन उनको लागू करिए। ताज आप समझ रहे हैं कि आजकल केंद्र सरकार वाला करते रहता है कुछ कुछ, 26 नवंबर को तो कोई काम किया है, आज दिल्ली में ही संविधान बनवाया है, आज संविधान बन के तैयार हुआ तो उसी समय का ना पार्लियामेंट कहा कि इसको एकदम स्वीकृत किया गया और इसको इफेक्टिवली लागू होगा, और उसी दिन से आप जानते हैं ना क्या, आज 26 जनवरी को कितना बड़ा कार्यक्रम होता है आप जानते हैं। तो एक एक तरह से हर तरह से काम इनके पक्ष में किया गया है, और सब जगह से और उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है हम लोग उनके एक एक चीज को जानते हैं, और करेंगे तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हर लोगों को किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि विकास मित्र के मानदेय को
तो जो बता दिए आपको हम, विकास मित्र वाले को तो 13,700 था, 25,000 कर दिया। टोला सेवक तालमी मरकज को 22,000 कर दिया। अब अगला बार इसको 22,000 को भी आगे बढ़ा देंगे, समझ गए ना? तो इनको हम ऐसे ही आज बता रहे थे, उनका चीज हम करते रहेंगे, चिंता मत करिए। हमसे उन लोगों की बात होती है और एकदम आप लोग सरकारी हैं और सरकारी तौर पर काम करते रहिए पूरे तौर पर। और इस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इन सब लोगों को, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सेवा करते रहिए। और आप जानते हैं ना कि अब इस बार तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना, हम तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, तब माना नहीं केंद्र वाला, तो हम लोगों ने यहां पर जाति आधारित गणना करा दिया। 9 पार्टी की मीटिंग कराई सब एग्री की, और जब लौट करके आ गया तो एक एक चीज, अरे बतवा सुनो ना पहले, जाति आधारित गणना बन के तैयार हो गया, और जाति आधारित गणना में जो एक एक चीज का सर्वे किया गया, तो पहले कितना था अब कितनी संख्या बढ़ गई सब पता है ना। पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16% था, अब पहले उनको जितनी संख्या होती है शुरू से ही जो 50% था उसी में सेंट परसेंट होता है अनुसूचित ये जाति को और अनुसूचित जनजाति को, अब इनके लिए किया जाता है। और अपने बिहार में कितना था 10 में 16% था आपके अनुसूचित जाति का और 1% था अनुसूचित जनजाति का। इस बार जो सर्वे कराया गया तो इनकी संख्या बढ़कर के आई है, अनुसूचित जाति का संख्या बढ़कर के 19.5 से भी आगे बढ़ गया है, और अनुसूचित जनजाति का जो 1 था वो बढ़कर के 1.7 से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम लोगों ने तो तय कर दिया ना जी, पास करके हाउस में पास हुआ, अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, ये कर दिया हम लोगों ने। और बाकी वो 50 में जो बचा, तो जो पिछड़े वर्ग थे उनकी संख्या, फिर उनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई थी, तो उनकी संख्या बढ़ी हुई थी इसलिए ये सोच करके हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, तो 50% को हम लोगों ने 65% कर दिया। तो इसीलिए अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 18% था उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया, और पिछड़ा वर्ग को 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो ये सब कुछ हो गया। और पहले से ही केंद्र ने अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए भी 10% किया, उसका तो हम लोग समर्थन करते हैं। तो पहले 50 और 10 60 था, तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 किया, अब 75 आप सब लोगों के लिए। तो हम लोगों ने तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों ने खाली जाति आधारित गणना नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया, और जो आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया और उसी से पता चला कि अपर कास्ट में भी गरीबी है बहुत लोगों की, पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अति पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अनुसूचित जाति में भी बहुत गरीबी है, अनुसूचित जनजाति में भी बहुत गरीबी है। तो सबको मिला करके हम लोगों ने यह तय कर लिया कि भाई अब इन लोगों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे, और हम लोगों ने तय कर दिया अब लोगों के विकास के लिए भी हर परिवार, आप तो जितना हम लोग काम करते करते ही है, अब ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को, जो गरीब परिवार है, राज्य सरकार की तरफ से 2,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा कि कोई वो नया काम करना शुरू करे।
तो हम लोग तो एक एक काम कर दिए, तो हर तरह से सारा काम कर रहे हैं और सबके हित में काम कर रहे हैं। तो सबके हित में काम कर रहे हैं इसलिए पूरे तौर पर, और आप जान लीजिए कि ये सब जो हम लोग काम करने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि कुल मिला करके सबको जो मदद कर रहे हैं उसमें चाहिए 2,50,000 करोड़ रुपया। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 साल में पूरा करेंगे, 50,000 रुपया केंद्र का देंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 5 साल के बजाय 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा अभियान चलेगा। अब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस सबसे बड़ा अभियान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना विशेष राज्य के दर्जा का, हाथ उठा के बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ उठा करके 2 लाख के करीब हैं। सब लोगों ने कह दिया याद करिए कि अब विशेष राज्य के दर्जा का भी अभियान चलेगा। आप पत्रकार मित्र से भी आग्रह करेंगे कि विशेष राज्य के दर्जा का अभियान चलेगा, आप लोग भी अंदरूनी तौर पर इसके समर्थन में रहिए ताकि बिहार आगे बढ़े। जब आप मन के अंदर मुलंद रहिएगा बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन अब दिल्ली तो भेजिए नहीं ना सकते हैं। तो यहां सबको प्रेरित करिएगा निश्चित रूप से, आज ही ट्वीट कर दीजिएगा, लोग प्रेरित होगा। तो अपना ट्वीट करके ही कर दीजिए प्रेरित, तो सब लोग आग्रह करिए। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि पूरे बिहार को हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब विशेष राज्य के दर्जा का मांग हम कितना दिन से कर रहे हैं और नहीं हुआ, अब फिर हम चाह रहे हैं। अब केंद्र सरकार कहती है कि हम मदद कर रहे हैं, अरे भाई तुम मदद क्या कर रहे हैं आप जिस चीज के बारे में आपका प्रचार होता है 100% करते हैं मदद, 60% करते हैं और 40% राज्य का लेते हैं, लेकिन कहीं ना ही लिखते हैं कि केंद्र और राज्य मिलके काम कर रहा। वो कह रहे केंद्र का है, कहा है खाली केंद्र का, तो इसलिए उन लोगों का तो कुछ है ना, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। अरे वो जो करे, तो हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो हम लोगों को तो सारा पैसा देना पड़ता है 40% उन लोगों को, और हम लोग जितना अपने बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए भी जरूरी है। इसलिए यही हम चाहते हैं कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम यही संकल्प ले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो बुनियाद रखी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बाबा साहब के नारे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो को बुलंद करेंगे, जो उनका नारा था अभी आप लोग बोल रहे थे। हम तो यही आग्रह करेंगे कि उनका जो था उसी नारा को हम लोग अब विशेष राज्य का दर्जा अभियान चलाएंगे, तो यही हम सब लोग यही अभियान चलाएंगे पूरे तौर पर। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और जब इस बात को मानिएगा, एकजुट होइएगा, तब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इसी काम के लिए आगे बढ़ाना है, और यही हम चाहते हैं कि इस काम को करते रहिए, हमारा तो यही आग्रह है। और बाकी सब चीज तो बहुत चीजें आप लोगों के लिए किया गया है, और आज आप लोग आए हैं भाई अशोक चौधरी जी, बड़ा अच्छा है। और कृपा करके अभी जो काम किए हैं इस काम को फिर एक राउंड करिए, और जितने लोगों को और इच्छा है अभी जो लोग दे रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और भी ज्यादा इस तबके को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को और मदद करनी है तो पूरा का पूरा हम लोग आपको सहयोग करेंगे, आपका मदद करेंगे, और बुलंद होकर के एकजुट होकर के आगे बढ़िएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं,
मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार मिलने आए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, और हमको भी बुलाने का आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।